हेलो एवरीवन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक फ़ोन है आईफोन 7, उसमें अनेबल था। तो अनेबल को हम विद सिम कार्ड, बहुत से बंदे करते हैं उसमें सिम नहीं चलता, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि विद सिम कार्ड उसको आप बाईपास कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक अनलॉक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, अनलॉक टूल उसके फिर रेमडेक्स फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जो रेमडेक्स ऑलरेडी मेरे पास है। आप रेमडेक्स कहाँ से उतारेंगे मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले अनलॉक टूल की साइट पे जाएंगे और यहाँ से आपको एक रेमडेक्स फाइल मिलेगी आईफोन 7। हाँ, एक ही फाइल आ रही है आपकी 7 GB की, इसमें ऑल इन वन फाइल है, सारे मॉडल चलते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने वो डाउनलोड नहीं किया, मैंने ओनली आईफोन 7 का ही डाउनलोड किया। तो ये वाली फाइल आप डाउनलोड करेंगे, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मेरे डेस्कटॉप पे रखी है। तो ये रही, तो इसका एक्स्ट्रा ठहरी करके नहीं, आप सीधा अनलॉक टूल के सी में जाओगे, सी में जाने के बाद वहाँ इसको एक्स्ट्रा ठहरी करके कॉपी कर दोगे। तो वो तो सब पे आता ही है कॉपी करना, तो लेकिन क्या है कि ये मैंने वीडियो थोड़ा स्टार्ट बाद में किया था, मैंने इसको एक बार पेनड्राइव भी कर दिया, रेमडेक्स भी कर दिया और इसका बैकअप भी ले लिया। सबसे पहले आप इसको DFE मोड पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन मेथड सेम ही है। अब मुझे खाली इसका बैकअप रिस्टोर करना है, तो मैंने इसको फैक्ट्री सेट एंड बैकअप इसका ले रखा है, पेनड्राइव भी कर दिया, रेमडेक्स भी कर दिया। तो मैं आपके लिए अब आगे का स्टेप बता रहा हूँ, तो ये मैं आपके लिए नॉर्मली समझा देता हूँ, लेकिन मेरे लिए उसने व्हाट्सअप किया था कि भाई मेरे फ़ोन में ये दिक्कत है तो मुझे ये कराना है। तो ये रहा आईफोन 7 है, इसमें अनेबल आ रहा है, अनेबल डिसेबल सेम होता है, जो 1500 से ऊपर होते हैं उसमें अनेबल आता है, जो 1500 नीचे वर्जन के उसमें डिसेबल आता है। आप देखना, कभी नोटिस करना कि आपके पास आईफोन 6 आएगा तो डिसेबल में आएगा, ना कि आपके पास अनेबल में। लेकिन आईफोन 7 अगर 1500 से ऊपर है तो वर्जन उसमें वो अनेबल आएगा। तो अब मैंने क्या किया, इसका पेनड्राइव किया DFE मोड पे कनेक्ट कर, तो उसके बाद मैंने इसको फिर मैं आपके लिए फ़ोन भी दिखा दूंगा। ये रहा फ़ोन मेरे पास, अभी ये फ़ोन ऑन है, अभी ये फ़ोन ऑन है। अब मैंने इसको फैक्ट्री सेट कर रखा है, मैंने इसका बैकअप ले रखा है। तो वीडियो में बता रहा ना, मैं थोड़ी देर बाद बनाने लगा। तो सेम मेथड है, मैं पेनड्राइव कर रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसको हम DFE मोड पे कनेक्ट करेंगे। अभी ये 3U टूल ओपन करना है आपको और आपके फाइल यहाँ पर होना चाहिए ये वाला। तो सबसे पहले आप इसको DFE मोड पे कनेक्ट करोगे। DFE मोड पे कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पावर की वॉल्यूम डाउन की दबाए रखना तब तक आईफोन बंद ना हो। उसके बाद बंद होने के बाद आप पावर की रिलीज कर दो, बोलते 4-5 सेकंड दबाओ, लेकिन ये सिंपल मेथड है। तो आप 4 सेकंड बाद हो फिर भी बंद हो जाता है, लेकिन आप दबाए रखो। अब आपका ये DFE मोड पे गया, दिखा दिया ना 3U टूल ने DFE मोड, और ये मेरे पास फ़ोन ही रहा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो DFE मोड इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, आपके पास फोन अनेबल पाए, सबसे पहले इसको पेनड्राइव करो। पेनड्राइव होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें 1-2 मिनट का। उसके बाद पेनड्राइव होने के बाद, और अब हमेशा 3U टूल ऊपर रखा करो। अगर आपके ये फ्लेकिंग कर रहा है, 3U टूल फ्लेकिंग कर रहा है, तो समझ जाए करो कि ये फोन पेनड्राइव हो रहा है। तो इसमें सिम भी लगी हुई है, मैं दिखाऊंगा विद नेटवर्क आपके लिए, देखिए फ्लेकिंग हो रहा ना। तो ये आपका यहाँ पे होगा, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये सेट ऑन हो गया, मैं इसको दोबारा रिटाई करता हूँ DFE मोड पे लगे, ये केवल थोड़ा मेरा दिक्कत चल रहा है। तो मैं दोबारा इसको DFE मोड पे लेता हूँ, DFE मोड पे। एक बार यहाँ केबल रिकनेक्ट कर दिया करो, अगर टाइम लगता है तो। मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा क्लिक करना पड़ेगा।
एक मिनट हम इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा दोबारा पेंडिंग। जो फोन अधिकतर बंद हो जाता है ना फोन डीएफई में और डीएफई मोड में, तो उसको ना रिकवर मोड से डीएफई लिया करो, वो बंद नहीं होता है। तो अभी एक सेकंड वेट करो, अभी ये आपका पेंडिंग हो जाएगा। हाँ अभी इसका इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो रहा है, बिट 24 मेरा बता रहा है। अब एक मिनट हो, अब आपका ये पेंडिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका रेमिडेक्स करना है। फॉर डिवाइस रेमिडेक्स कर। ये थोड़ा केवल मसला है, ये चल रहा है रेमिडेक्स, देखो रिकवरी में गया। तो अभी ऑन नहीं होगा फोन, अभी वेट करो। देखो ये फ्लैकिंग करने लग गया, ऐसे इसमें लाइन सी चलेंगी जब आपका होगा। तो आपका अनलॉक टूल ने दिखा दिया है कि रेमडेक्स ओके। अब हमें क्या करना है, इसका बैकअप रिस्टोर करना है। इसको चलने दो और इसका बैकअप रिस्टोर करो। हमने बैकअप इसका ले रखा है ना, वो रिस्टोर कर। डन हो गया बैकअप रिस्टोर, अभी आपका फोन भी डन हो गया। तो सबसे पहले आपके पास इस कंडीशन में फोन आता है, अनेबल लिखा आता है या डिसेबल लिखा आता है, सबसे पहले आपके पास नीड है अनलॉक टूल होना चाहिए और एक रेमडेक्स फाइल होना चाहिए। फिर सबसे पहले फर्स्ट में आपको उसको डीएफई मोड पर लेना है, पैन डीएफई करना है, फिर उसको आपको रेमडेक्स करना है, फिर उसको आपका बैकअप लेना है, फिर उसको आपको रिस्टोर करना है, फिर उसके बाद दोबारा पैन डीएफई करना है, फिर रेमडेक्स करना है, फिर बैकअप रिस्टोर कर देना, आपका डन हो जाएगा। अब इसको आप सेटअप कर लो मैनुअली, इंग्लिश इंडिया। तो कंटिन्यू, नेक्स्ट कंटिन्यू, लेट, डोंट यूज ऑप्शन, डोंट यूज पासकोड, डोंट यूज, डोंट डाटा ट्रांसफर। एक मिनट, फॉरगेट, ऊपर चल रहा नहीं, आपको ये दिखेगा यहाँ पर। वेट करो यहाँ थोड़ा सा, अभी आ जाएगा नेक्स्ट। मेरी वीडियो भी मैं